हेलो एवरीवन, एक असमंजस में था तो सोचा आपसे शेयर कर लूं। ये प्राइवेटाइजेशन हार्मफुल है या बेनिफिशियल है, काफ़ी कुछ सोच रहा था मैं इस बारे में। कुछ पहलू ऐसे दिखे जिसमें प्राइवेटाइजेशन था वो बेनिफिशियल दिखा मेरे को, और कुछ पहलू ऐसे दिखे जिसमें प्राइवेटाइजेशन बहुत घातक सिद्ध हो सकता है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। मैं ज़्यादा डेटा पर नहीं जा रहा, एक जनरल बात आपके साथ कर रहा हूँ। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूँ जहाँ पर प्राइवेटाइजेशन नहीं है। सुनने में शायद अजीब लगे, आपको भी लगेगा कि एक इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट होकर मैं कैसी बातें कर रहा हूँ, फिर भी कहीं ना कहीं आप सब शायद हरियाणा रोडवेज बस में सफ़र करते होंगे, मैं भी सफ़र करता हूँ। और जो सरकारी बस का एक कंडक्टर है, एक ड्राइवर है, उसके बात करने का लहजा कुछ डिफरेंट होता है। लोगों के साथ एक असभ्य व्यवहार किया जाता है, सरकारी बस की बात कर रहा हूँ। अब आप ये तर्क मत दीजिएगा कि वो पूरा दिन काम करते हैं, ये काम सभी करते हैं। आप किसी सरकारी दफ्तर में गए होंगे, कभी ऑफिस में गए होंगे, वहाँ उस सरकारी दफ्तर के पियोन से अगर आप किसी का एड्रेस भी पूछेंगे तो वो भी आपके साथ सीधे मुंह बात नहीं करता है। खैर ये बात भी छोड़िए, आप कभी सरकारी स्कूल में जरूर गए होंगे, मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, आप भी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, और सरकारी स्कूल के मास्टर का रवैया बच्चों के प्रति कैसा होता है शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी सरकारी बैंक में गए होंगे और उस सरकारी बैंक ने आपको कैसे एक सीट से दूसरी सीट पर चक्कर कटाए होंगे, ये बात शायद आप बेहतर जानते हैं। या आप सरकारी हॉस्पिटल में कभी, भगवान करे आपको ना जाना पड़े, अगर कभी गए हैं तो भी आपने देखा होगा वहां का माहौल क्या है। आप किसी भी सरकारी संस्था को लीजिए, सरकारी विभाग को लीजिए, और हर सरकारी विभाग के कर्मचारी को, जिन जिन से आपका पाला पड़ा है, एक बार माइंड में उनके बारे में सोचकर देखिए, उनका व्यवहार सोचकर देखिए। आपको इन विभागों के कर्मचारियों की के जो बहुत ही बेहतरीन व्यवहार है वो आपके माइंड में एकदम से आ जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम किसी प्राइवेट संस्था में जाएं, आप किसी प्राइवेट स्कूल में गए होंगे, आप किसी प्राइवेट बैंक में गए होंगे, आपने कभी प्राइवेट बस में सफ़र किया होगा, आप किसी प्राइवेट कंपनी के ऑफिस में गए होंगे, आपको कुछ डिफरेंट बिहेवियर दिखेगा। अब क्वेश्चन तो ये भी उठता है कि क्या सिर्फ व्यवहार को देखकर हम ये अंदाज़ा लगा लें कि प्राइवेटाइजेशन है वो बेनिफिशियल है या हार्मफुल है। क्या व्यवहार को देखकर हम सिर्फ ये कह दें कि प्राइवेटाइजेशन है वो एक बहुत अच्छी चीज़ है? नहीं है, व्यवहार को देखकर हम नहीं कह सकते। काम को देख लीजिए, थोड़ा काम पर नज़र डाल लीजिए। आप सरकारी संस्थाओं में काम को देखिए और प्राइवेट संस्थाएं हैं उनमें काम को देखिए, प्रोडक्टिविटी को देखिए, आप उत्पादकता को देखिए। एक सरकारी विभाग है वहाँ की उत्पादकता, वहाँ की प्रोडक्टिविटी को देखिए, और एक जो प्राइवेट संस्था है वहाँ के कर्मचारियों की प्रोडक्टिविटी को देखिए, आपको दिन रात का अंतर मिलेगा। मैं फेवर नहीं कर रहा प्राइवेटाइजेशन का, मैं तो सिर्फ ये आपसे पूछ रहा हूँ कि इनमें सही कौन सा है। निजीकरण के मुझे कहीं भी फायदे नहीं दिख रहे। अगर ये इकॉनमी में बढ़ता जाएगा तो सबसे बड़ी चीज जो उभर कर आएगी, दैट इज एक्सप्लोटेशन। एक्सप्लोटेशन बहुत ज्यादा होगा लोगों का, 8 घंटे काम करने की बजाय उनसे शायद 10 घंटे 12 घंटे काम करवाया जाएगा, और उनसे उनको जो उनका मेहनताना है उनका, वो भी उनको बहुत कम दिया जाएगा। व्यक्तियों को बहुत कम पैसे में काम पर रखा जाएगा, निजी कंपनियां हैं वो अपनी मनमर्जी चलाएंगी, और वापस वही कैपिटलिज्म का दौर आ जाएगा जो मार्क्स के टाइम था। शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन मार्क्स के टाइम का कैपिटलिज्म
और अब का कैपिटलिज्म बहुत डिफरेंस है। वो कैपिटलिज्म वो था तब सरकारें कुछ लोगों के हाथ में थी, अब भी लोग कहते हैं सरकारें कुछ लोगों के हाथ में है, लेकिन अब इतने रूल्स रेगुलेशन हैं, इतने कानून बने हुए हैं कि आप किसी का जल्दी से तो एक्सप्लोटेशन नहीं कर सकते। हाँ, कोई अपना एक्सप्लोटेशन करवा रहा है वो बात दूसरी है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन का फायदा तो कहीं भी नहीं है। अगर ये हो जाता है तो आज के टाइम में प्रोडक्टिविटी तो आप उनसे ले लेंगे, लेकिन बदले में जो हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में कि वेज जो दी जाती है उनकी एमपी के अकॉर्डिंग दी जाए, प्राइवेट सेक्टर कभी वेज और एमपी के अकॉर्डिंग कहाँ देता है। 6 लाख का काम करवाते हैं तो शायद 10,000 रुपये सैलरी देते हैं मंथली। प्राइवेट सेक्टर बुरा नहीं है अगर वो एक्सप्लोटेशन छोड़ दे, अगर वो जितना काम किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग पैसा दे, अगर वो अपने कर्मचारियों का ध्यान रखे, अगर वो इस शोषण की प्रवृत्ति से थोड़ा ऊपर उठकर वेलफेयर की प्रवृत्ति पर आ जाए तो प्राइवेट सेक्टर बुरा नहीं है। और सरकारी क्षेत्र बिल्कुल बुरा नहीं है अगर सब कर्मचारियों की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर दिया जाए, उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर दिया जाए, उनके बोलने का तरीका ठीक कर दिया जाए, उनका व्यवहार ठीक कर दिया जाए, तो सरकारी क्षेत्र बिल्कुल बुरा नहीं है। अच्छा पैकेज मिलता है, अच्छी सैलरी मिलती है, अच्छा मेहनताना सभी सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है। फिर क्यों वो सरकारी कर्मचारी उस इतनी बड़ी सैलरी पाकर भी क्यों अच्छा व्यवहार नहीं करता है, क्यों वो उस डिपार्टमेंट को डाउन लेके जाता है जिस डिपार्टमेंट में उसकी रोजी चलती है, जिससे क्यों वो काम नहीं करता है। आज अगर आप थोड़ा एक सर्वे करके देखें तो बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो ये कहेंगे कि प्राइवेटाइजेशन हो जाना चाहिए। क्यों, किसने मजबूर किया इन लोगों को ये कहने पर कि प्राइवेटाइजेशन हो जाना चाहिए, किसने? किसी को अच्छा लगता है कि प्राइवेट सेक्टर में उसको नौकरी मिले? शायद किसी को अच्छा नहीं लगता। हर व्यक्ति चाहता मुझे सरकारी क्षेत्र में नौकरी मिले, मैं सरकारी विभाग में एंटर करूं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर उसमें पैसा नहीं देते, वो उसके काम के अकॉर्डिंग सैलरी नहीं देते। हर व्यक्ति चाहता है कि सरकारी क्षेत्र है उसमें मैं एंटर कर जाऊं। फिर क्यों लोगों को ये मजबूर होना पड़ा ये कहने पर कि गवर्नमेंट सेक्टर है वो अच्छा नहीं है किसी फील्ड में, और इस फील्ड में प्राइवेट सेक्टर है वो ज्यादा अच्छा काम करता है, क्यों कहना पड़ा? क्या किसी सरकारी स्कूल में जो मास्टर जी लगे हैं, जो लेक्चरर लगे हैं, जो प्रोफेसर्स लगे हैं, क्या वो कम पढ़े लिखे हैं? क्या वो एफिशिएंट नहीं है? हो ही नहीं सकता। वेल क्वालिफाइड स्टाफ को रखा जाता है, इतने बड़े बड़े एंट्रेंस टेस्ट पास करके वो लोग जॉब लेते हैं, इतने अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में लगे हुए हैं, फिर भी बच्चे हैं वो क्यों प्रेफर करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस को, प्राइवेट स्कूल्स को, कॉन्वेंट स्कूल्स को क्यों प्रेफर किया जाता है, जबकि वहाँ का जो प्राइवेट स्कूल का टीचर है हो सकता है कि सरकारी स्कूल वाले टीचर की बजाय कम एफिशिएंट हो, फिर भी उसको 10% नॉलेज होता है तो 100% देता है, और दूसरे को 100% होता है वो 10% नहीं देता है। ये कमी है इस क्षेत्र में। क्यों लोग प्राइवेट बैंक्स में ज़्यादा जाना वो अपना अपनी सेफ्टी भी समझते हैं और अच्छा भी उस चीज़ को समझते हैं? क्योंकि वो उस व्यवहार से तंग आ चुके हैं जो सरकारी बैंक वाले करते हैं। मैं सिर्फ कुछ सेक्टर की बात नहीं कर रहा, आप किसी भी सेक्टर को उठा लीजिए, एफिशिएंसी है, प्रोडक्टिविटी नहीं है। प्रोडक्टिविटी जितना दिया जाता है उसके बराबर नहीं है। मैं उन सभी से माफी चाहूंगा जो अभी ये सुन रहे हैं और जो सरकारी क्षेत्र में हैं, और सरकारी क्षेत्र में होकर अगर आप इस पर ऑब्जेक्शन करते हैं इसका मतलब आप कहीं ना कहीं इस पॉइंट से सहमत हैं कि प्रोडक्टिविटी नहीं है। अगर आपकी प्रोडक्टिविटी है तो आप उन लोगों को ढूंढिए, उनको सुधारिए जिनकी प्रोडक्टिविटी नहीं है। इतना अमाउंट और इतना बड़ा जो खर्चा सरकारी क्षेत्र जो करता है ना, प्राइवेट सेक्टर के बस की बात भी नहीं है। सरकारी क्षेत्र कर सकता है लेकिन उसको चलाने के लिए सरकार नहीं आती, एडमिनिस्ट्रेशन को सही काम करना पड़ता है, और प्रशासन और
कर्मचारी अगर सही हो तो सरकारी क्षेत्र है उस जैसा क्षेत्र तो हो ही नहीं सकता। कोई किसी कंट्री को वेलफेयर स्टेट बनाना है तो सोशलिज्म की ओर आना पड़ेगा, समाजवाद की ओर बढ़ना पड़ेगा। पूंजीवाद किसी क्षेत्र को वेलफेयर स्टेट नहीं बना सकता, ये बात क्लियर है। कोई प्राइवेट व्यक्ति है वो किसी की भलाई के लिए काम करने के बजाय अपनी जेब भरने की ओर ज्यादा सोचता है। कोई प्राइवेट प्रोड्यूसर है वो ले लीजिए आप, या कोई भी बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट ले लीजिए, वो क्यों किसी का वेलफेयर करेगा, उसको तो सिर्फ अपनी जेब से मतलब होता है। सरकारी क्षेत्र है वो वेलफेयर का काम करता है, लेकिन सरकारी क्षेत्र को शायद उन कर्मचारियों के एटीट्यूड ने खराब कर रखा है और लोगों को ये कहने पर मजबूर कर रखा है कि प्राइवेटाइजेशन अच्छा है। बहुत सारी पोस्ट सोशल मीडिया पर कर दी जाती है कि ये देखिए इस कारण प्राइवेटाइजेशन अच्छा है, इस कारण प्राइवेटाइजेशन अच्छा है। आपको बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो ये कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर आना चाहिए हर फील्ड में। क्यों कहते हैं ऐसे? कहीं ना कहीं तो उनको प्रॉब्लम हुई है सरकारी विभागों से, सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों से। क्यों दूर संचार विभाग में एक सस्ता होते हुए भी, अच्छा होते हुए भी, एक उस नेटवर्क को, उस सिम को लोगों ने खरीदना छोड़ दिया और प्राइवेट सेक्टर ने बड़ी बाजी मार ली? क्यों ट्रांसपोर्ट में क्यों सरकारी क्षेत्र पीछे होते जा रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर फिर आगे बढ़ते जा रहे हैं? क्यों एजुकेशन में क्यों सरकारी क्षेत्र पीछे होते जा रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर आगे होते जा रहे हैं? हेल्थ में क्यों प्राइवेट सेक्टर आगे होते जा रहे हैं और गवर्नमेंट सेक्टर पीछे होते जा रहे हैं? इंडस्ट्रीज में तो खत्म है, सरकारी क्षेत्र है ही नहीं, सारा प्राइवेट सेक्टर्स के हाथ में, मोस्टली प्राइवेट सेक्टर्स के हाथ में। क्यों? क्या इसका कारण सिर्फ ये है कि सरकार ने अपना हाथ वापिस खींच लिया है? नहीं, हाँ ये एक कारण है कि सरकार ने अपने हाथ वापिस खींचे हैं कुछ जगहों से, लेकिन इसका कारण यह भी है कि लोगों की मनोवृत्ति चेंज हो चुकी है, उनकी साइकी चेंज हो चुकी है और वो प्रेफर करने लगे हैं। हालांकि उनको यह पता नहीं है कि तुम जिस बात को ये प्रेफर करते हो कि प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, शोषण तो तुम्हारा ही होना है, लेकिन अभी एट प्रेजेंट तो ये प्रेफर करने लगे हैं कि प्राइवेटाइजेशन है वो अच्छा है, वो हो जाना चाहिए। तो मैं तो इतना ही कहूंगा अगर हम कंक्लूजन टाइप कहें कि गवर्नमेंट सेक्टर है वो बहुत अच्छा है और वेलफेयर के लिए काम करता है, एम्प्लॉयज थोड़ा सा ठीक काम कर लें, उस विभाग को आगे बढ़ाने के लिए, वो मालिक नहीं है, दे आर सर्वेंट, नौकर है वो। नौकरी का मतलब क्या है? नौकर है और वो मालिक बन जाते हैं उस विभाग के। अगर वो नौकर बन के काम करें, सही से काम करें, तो सरकारी क्षेत्र के प्रति जो लोगों की मनोवृत्ति है वो जो चेंज होती जा रही है उसको रोका जा सकता है और वो लोग कहने लगे कि नहीं सरकारी क्षेत्र बेस्ट है। आप कुछ वेस्टर्न कंट्रीज का एग्जांपल पढ़ सकते हैं, मैं कभी आपको नेक्स्ट क्लिप में कभी बताऊंगा, वेस्टर्न कंट्रीज के काफी एग्जांपल है जहां पर सरकारी क्षेत्र इतना डेवलप है, लोग सरकारी स्कूल में बच्चे भेजना ही प्रेफर करते हैं, हर फैसिलिटी वो सरकार प्रोवाइड करवाती है और लोग है वो कहते हैं नहीं प्राइवेट सेक्टर नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर बेस्ट है। और अपने यहां के लोग कहने लगे हैं धीरे धीरे कि प्राइवेट सेक्टर है वो अच्छा है, हम तो बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे क्योंकि प्राइवेट सेक्टर अच्छा है और भेजना भी पड़ता है, हम तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है उनकी हेल्प लेंगे किसी भी काम करने के लिए और लेनी भी पड़ती है। सरकार वापस हाथ खींच रही है, नो डाउट, क्यों खींच रही है? उन सरकारी विभागों में बढ़ते हुए घाटे को देखते हुए, और मैं सभी का तो नहीं कह रहा, कुछ सरकारी विभाग ऐसे जिनमें घाटे बड़े हैं और उन घाटों को देखते हुए सरकार ने उन इंडस्ट्रीज से वापस हाथ खींचना शुरू कर दिया, और उस घाटे के बढ़ने का एक बड़ा कारण उसमें काम करने वाले लोग ही हो सकते हैं। थोड़ा इस विषय के बारे में सोचिए, अपनी राय जरूर दीजिए कि मैं तो इस बारे में काफी सोच रहा हूं कि विच वन इज द बेस्ट, प्राइवेटाइजेशन और गवर्नमेंट सेक्टर जो चल रहे हैं वो कौन सा बढ़िया है। मुझे लगता है कि जहां तक मेरी राय है, मैं एक लाइन में बता दूं, जहां जरूरत है प्राइवेट सेक्टर होना चाहिए, इसके बिना
कोई भी इकॉनमी और प्रोग्रेस करने की सोच नहीं सकती। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर को भी जहां वेलफेयर की बात आती है, गवर्नमेंट सेक्टर को अपने हाथ वापस नहीं खींचने चाहिए। और हम सब का ये कर्तव्य बनता है, चाहे हम प्राइवेट संस्था में काम करते हो या हम सरकारी संस्था में काम करते हो, हम सब का ये कर्तव्य बनता है, जिस संस्था में हम काम करते हैं, जहां पर भी हम काम करते हैं, हम उसके प्रति डेडिकेटेड होकर काम करें। हमारा ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चाहे वो हमें सैलरी क्या दे रहे हैं डजेंट मैटर, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपनी पूरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करें, हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज करें और उस संस्था को आगे बढ़ाएं। मे बी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, मे बी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, कोई भी हो, हम उसको आगे बढ़ाने के लिए अपना काम करें। हम अपना तो 100% दें, आगे के आगे देखते हैं। अपना तो 100% हमें देने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। तो अब कौन सा सेक्टर अच्छा है, कौन सा अच्छा नहीं है, आप अपनी राय दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में और बता सकते हैं कि क्या किया जा सकता है मनोवृत्ति चेंज करने के लिए, लोगों की साइकी चेंज करने के लिए। इतना ही मुझे कहना था इस टॉपिक के बारे में। आप अपनी राय दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।